इस्लामिक वीडियोस के लिए हिंद इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी नागिन की जो सोने का अंडा दिया करती थी। बहुत ही हैरत अंगेज वीडियो है, इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। बहुत ही पुराना मामला है, एक घर में एक नागिन रहा करती थी जो रोजाना सोने का अंडा देती थी। गरीब आदमी धीरे धीरे अमीर होने लगा। उसने तमाम घर वालों को ताकीद कर रखी थी कि वो ये बात किसी को न बताए। कई दिन यूं ही बीतते चले गए। एक दिन नागिन अपने बिल से बाहर आई और उस शख्स की बकरी को डस लिया। नागिन का जहर इतना जानलेवा था कि देखते ही देखते बकरी अल्लाह को प्यारी हो गई। घर वाले गुस्से में होकर उस नागिन को ढूंढने लगे ताकि अपनी बकरी का बदला ले सके, लेकिन उस शख्स ने उन्हें मना कर दिया कि नागिन जो हमें सोने का अंडा दे रही है, बकरी की कीमत से कहीं गुना ज़्यादा है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर कुछ दिन बीते, नागिन ने उनको उसके पालतू गधे को डस लिया। वह फौरन ही मर गया। उस शख्स को भी बहुत गुस्सा आया, लेकिन जैसे तैसे लालच के मारे खुद पर काबू पाया। आज इसने हमारा दूसरा जानवर मार डाला, लेकिन खैर कोई बात नहीं, इसने किसी इंसान को तो नुकसान नहीं पहुंचाया। घर वाले भी खामोश रहे। फिर कुछ दिन तक नागिन ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। घर वाले भी अपने काम में मशगूल हो गए। फिर एक दिन नागिन ने उनके गुलाम को डस लिया। उस बेचारे ने मदद के लिए अपने मालिक को पुकारा, मगर मालिक उस तक पहुंचता वो बेचारा भी जहर के मारे दुनिया को अलविदा कह गया। अब वो शख्स परेशान आलम में कहने लगा, इस नागिन का जहर तो बहुत ही खतरनाक है, उसने जिस जिसको डसा मौत के घाट उतार दिया। अब कहीं ये मेरे घर वालों में से किसी को न डस ले। कई दिन ये सोचकर गुजर गए, आखिर इस नागिन को करे तो क्या करे। दौलत के नशे ने इस बार इस शख्स को अंधा कर दिया। उसने ये कहकर घर वालों को मुतमईन कर दिया कि इस नागिन की वजह से हमें नुकसान हो रहा है, लेकिन हमें सोने के अंडे भी तो मिल रहे हैं, हमें ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। फिर कुछ दिनों बाद नागिन ने उसके बेटे को डस लिया। फौरन हकीम को बुलाया, लेकिन देर हो चुकी थी और वो भी मौत हो गई। जवान बेटे की मौत से वो शख्स इतने गुस्से में आ गया कि कहने लगा, अब इस नागिन को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन नागिन उनके हाथ नहीं आई। कुछ दिनों बाद नागिन ने अंडा नहीं दिया। वो शख्स और ज़्यादा परेशान हो गया। दोनों मियां बीवी नागिन के बिल के पास आकर वहाँ साफ सफाई करने लगे और इत्र लगाकर खुशबू महकाई। यूँ नागिन को सुलह का पैगाम दिया जा रहा था। नागिन वापस आई, फिर सोने का अंडा मिलने लगा। माल और दौलत ने उन्हें इस कदर अंधा हो गए, अब वो जवान बेटे और गुलाम की मौत का गम भूल गए। फिर एक शख्स की बीवी को भी डस लिया। थोड़ी देर में उसकी भी मौत हो गई। अब वो शख्स गुस्से में तिलमिला उठा। फिर उसने नागिन की बात दोस्तों को बता ही दी। सबने मशवरा दिया, तुमने बहुत बड़ी गलती की है, अब जितनी जल्दी हो सके उस नागिन को मार डालो। अब वो शख्स नागिन को मारने के लिए बिल के पास आया और आकर बैठ गया, लेकिन बिल के पास एक नायाब मोती मिला, जिसे देखकर उसकी तबीयत खुश हो गई। दौलत के नशे को उसको इस कदर कर दिया कि वह सब कुछ भूल गया। वो कहने लगा, वक्त तबीयत को भुला देती है, नागिन की तबीयत भी बदल गई होगी, उसका जहर भी खत्म हो गया होगा, चुनांचे अब इसमें मुझे कुछ खतरा नहीं होगा। यह सोचकर उसने नागिन को मारने का इरादा छोड़ दिया। रोजाना मोती मिलने लगे और वो शख्स दोबारा हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगा और नागिन के पुरानी धोखेबाजी को भूल गया। एक दिन सारे मोती और सारे सोने के अंडे लेकर एक थैले में रखकर तकिया बनाकर सो रहा था। उसी रात नागिन ने उसे भी डस लिया। जब उसकी चीखो पुकार सुनकर मोहल्ले वाले दौड़े आए और कहने लगे, तुमने इसे मारने में सुस्ती क्यों की और लालच में आकर अपनी जान दांव पर लगा दी। लालची शख्स कुछ न बोल सका, मारे शर्म के सिर नीचा कर बैठ गया। सोने और मोतियों से भरा थैला अपने दोस्तों और तमाम रिश्तेदारों मिलने जुलने वालों के हवाले कर दिया और कहने लगा,
आज मेरे नजदीक इस मालो दौलत की कोई कदर नहीं है, क्योंकि आज मैं दूसरों को ये मालो दौलत दे रहा हूँ और ये मालो दौलत कल मेरे पास थी, आज किसी और के पास हो जाएगी। कुछ ही देर में वो भी दुनिया को अलविदा कह गया। तो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो से आप क्या समझे मेरे भाइयों, ये दौलत चंद लम्हों का सुनहरा सपना है, ये न किसी की हुई और न किसी की होगी। सिकंदर जो बड़ा ही बादशाह खजानों का मालिक था, जब दुनिया से जाने लगा तो उसके दोनों हाथ खाली थे। हमें इस दुनिया से अल्लाह की तरफ लौटना है और वो भी खाली हाथ। ये दुनिया चंद सेकंडों का मजा है, इसलिए कल के बजाय अपने आज को संवारें, अल्लाह की इबादत करें, नेक आमाल करें, ताकि दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएं। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता करें और तमाम मुसलमानों को नेक आमाल करने की हिदायत अता करें। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जाकर आमीन जरूर लिख देना, क्या पता किस भाई की जुमा से निकला आमीन अल्लाह पाक की बारगाह में कबूल हो जाए और उसके सदके तमाम मुसलमानों की मगफिरत हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और इसी तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें।